सभी साधक समाज को सादर नमन। आज हम एक गूढ़ रहस्य लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे कि सभी साधक कोई न कोई मंत्र जाप करता है, कोई न कोई इष्ट की पूजा करते हैं, गुरुवाद की पूजा करते हैं, कुंडलनी शक्ति जागरण अभ्यास करते हैं, कई लोग ध्यान करते हुए समाधिस्थ होने की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, कई लोग अभी प्रारंभिक अवस्था में ध्यान अभ्यास कर रहे होंगे। तो ये सब साधना करते हुए तो आपको कैसे पता चलेगी कि आप जो साधना कर रहे हो वह सिद्ध हुई है या नहीं, अभी आपकी साधना सिद्धि संपन्न है या नहीं? क्योंकि हर एक साधक सिद्ध संपन्न होना जरूरी है अगर वो साधना कर रहा है। तो आइए हम आपको कुछ प्रमुख लक्षण बता रहे हैं। अगर आपके जीवन में यह अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आपका साधन सिद्ध हो चुका है या सिद्धि के करीब है। तो सबसे प्रारंभिक बात करें, प्रथम बात यह है, अगर आप मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आप जिस इष्ट की पूजा करते हो, जो मंत्र जाप करते हो, उस इष्ट का जो ऊर्जा है और आपकी जो ऊर्जा है वो एकत्व हो जाती, जिसे शास्त्र एकत्व भाव कहते, एक हो जाती है। तो इससे होता क्या है, तो साधक के जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं उसका पूर्वाभास होने लगता है। साधक जहां पर रहता है उसके आसपास, उसके घर के आसपास, ऑफिस के आसपास या कहीं भी आते जाते भी आपके जीवन में जहां जहां आपकी जितनी दूर आपकी ऊर्जा होगी उसके क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने लगेगा, भले आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आप साधना सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, साधक जो भी इच्छा करता है वह स्वयं पूर्ति हो जाएगा, वो चाहे जैसे उसका काम बन ही जाएगा। क्योंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अवचेतन मन व्यक्ति का एक्टिव हो जाता है। अवचेतन मन एक ऐसा साधन है कि जिससे अगर वहां पर आपकी बात दृढ़ हो गई तो अवश्य होगा ही होगा, जो आप चाहते हो आपके जीवन में अवश्य घटित होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है, साधक वाक सिद्ध हो जाता है, साधक जो कह देगा वह हो जाएगा। अगर किसी को अच्छा कह देगा तो उसके जीवन में अच्छा घटित हो जाएगा। और गलती से, गुस्सा से अगर साधक ने किसी को गलत कह दिया, जिसको पूर्व समय में श्राप कहते थे, अगर श्राप भी दे दिया तो उसके जीवन में वैसे घटना होने लगेगी। पूर्व समय में बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं, कोई साधक ने किसी को श्राप दे दिया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। यह झूठा नहीं है, यह साधना का बल है, सिद्धि का बल है। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि साधक दैवी गुण संपन्न हो जाता है। अगर साधक सात्विक साधना कर रहा है तो सात्विक गुण संपन्न हो जाएगा, राजसी साधना कर रहा है तो रजस गुण संपन्न हो जाएगा, तामसिक साधना कर रहा है तो साधक तामस गुण संपन्न हो जाता है। तो जैसा जिसकी साधना होती, जैसा मंत्र होता, जैसे इष्ट होते हैं, वह व्यक्ति उसी प्रकार से गुण से संपन्न हो जाता है। पांचवा और अंतिम प्रमुख लक्षण है, साधक त्राटक संपन्न हो जाता है, जो उसके पास आता है उसी का बन जाता है। साधक के सामने जो आएगा तो साधक उसका भूत भविष्य वर्तमान स्वयं ज्ञात हो जाता है, स्वयं ज्ञान हो जाएगा। साधक देखते ही बता देगा इसके साथ क्या होने वाला है। अगर यह सब क्रिया आपके साथ घटित हो रही है तो आप ये जान जाइए, या तो आप साधक सिद्ध संपन्न हो चुके हैं, साधना सिद्धि संपन्न हो चुके हैं, या तो सिद्धि के करीब हैं। तो हमको विश्वास है यह ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।